नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोर्स की इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर कैसे हम जानेंगे कि एफईडी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें एफईडी करना चाहिए, हमारे वायरसेस को, पेलोड को, हमारे हैकिंग में एफईडी क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर आप हैकिंग कर रहे हो, आपने अपना वायरस बना लिया, अगर आपका वायरस एफईडी नहीं है, तो अगर आप सामने वाले टारगेट पर मॉनिटर करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका जो एंटीवायरस है, डिफॉल्ट एंटीवायरस, उसे इजिली डिटेक्ट कर लेगा और उसे इंस्टॉल क्यों करेगा। तो इसीलिए हमारा एफईडी इम्पोर्टेंट है, हमें अपने एप्लीकेशन वायरस को अनडिटेक्टेबल करना होता है, क्योंकि अगर जैसे ही अगर आप डायरेक्टली बनाकर दोगे और इजिली उसका एंटीवायरस डिटेक्ट करने के बाद वो उसे अनइंस्टॉल कर देगा, तो इसीलिए हमें एफईडी करना होता है। आपने सारी चीजें कर ली, बट अगर आपने एफईडी नहीं किया तो वो सारा जितना भी जो आपका काम करा हुआ है वो सारा का सारा वेस्टेज हो जाता है। तो अगली पार्ट में गाइस हम देखेंगे कि किस तरह से हमें एफईडी करना होता है। इस मेथड के थ्रू गाइस आप अपने वायरस को, ट्रोजन्स को, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया कि नेवर अनइंस्टॉल मालवेयर किस तरह बना सकते हैं, उसे भी आप एफईडी कर सकते हैं। रैनसमवेयर को भी आप एफईडी इसी मेथड के थ्रू इजिली कर सकते हैं। कैसे करना होगा गाइस वो हम प्रैक्टिकली आगे आने वाली वीडियोस में, इसी मॉड्यूल की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं गाइस प्रैक्टिकली की तरफ।